स्टूडेंट वेलकम टू आर सी अजूहब ऑनलाइन क्लासेज सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी चैप्टर फॉर कीट नियंत्रण की विधियाँ और इसके अंदर हम कीटनाशी समरूपण यानी कि कीटनाशी जो हैं वो किन किन रूपों के अंदर पाए जाते हैं वो कीटनाशियों का समरूपण कहलाता है। इसके अंदर कीटनाशी जो हैं उनके दो समरूपण हैं, ठोस समरूपण और द्रव समरूपण। यानी कि मुख्य रूप से कीटनाशियों का जो उपयोग किया जाता है वो दो रूपों में किया जाता है, तो ठोस रूप में किया जाएगा और सेकंड इसका द्रव रूप में, दो रूपों में ये पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम ठोस समरूपण के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। ठोस समरूपण जो होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है, कीटनाशक धूली फर्स्ट, कीटनाशीय धूली यानी कि डस्ट के रूप में है पाया जाता है, सेकंड दानेदार कीटनाशी और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो घुलनशील चूर्ण के रूप में, घुलनशील चूर्ण। सबसे पहले कीटनाशीय धूली, कीटनाशी जो पदार्थ होते हैं वो धूल या डस्ट के रूप में होते हैं जिन्हें फसलों के ऊपर डालकर कीटनाशियों का जो संख्या होती है, समष्टि होती है, उसको नष्ट किया जाता है। इसकी सांद्रता कीटनाशक धूली जो होती है इसकी सांद्रता जो होती है वो 0.1 से लेकर 25% तक होती है। इसके अंदर कीटनाशक जो पदार्थ होता है, रसायन जो होता है, उसकी मात्रा की प्रतिशतता जो होती है 2.5 से 10% तक रसायन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और कीटनाशक धूली के पैकेट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर अनेक प्रतिशतता के रूप में उपस्थित हैं, यानी कि रसायनों की मात्रा कितने परसेंट है उसके आधार पर ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद में दानेदार कीटनाशी, कीटनाशियों का उपयोग जो किया जाता है वो दानों के रूप में, जैसे कि हम यूरिया का उपयोग करते हैं, और कीटनाशी दानेदार जो होता है इसका भूमि में या फिर फसलों के ऊपर, फसलों पर बिखेर कर जैसे हम यूरिया जो होता है उसको छिड़क के उगते हैं, खेत के अंदर देते हैं, उस प्रकार से इस दानेदार कीटनाशी का हम उपयोग करते हैं। दानेदार जो कीटनाशी है इसका जो व्यास होता है वो 0.25 से 2.38 mm परिधि का होता है। दाने जो होते हैं उनकी परिधि जो होती है वो 0.25 से 2.38 होती है। दानेदार जो कीटनाशी है इनके अंदर रसायनों की प्रतिशत मात्रा 2% जो मात्रा होती है वो 2 से लेकर 10% तक रहती है, रसायन इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। लास्ट घुलनशील चूर्ण, ये पदार्थ जो होते हैं रसायन पदार्थ उनको घुलनशील चूर्ण के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। विभिन्न कीटनाशी जो होते हैं वो जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील, क्योंकि यदि इस चूर्ण को हम जल के अंदर घोलते हैं, घुलनशील चूर्ण इसके हम जल के अंदर यदि मिलाते हैं तो कुछ समय पश्चात ही
पैंदे के अंदर, पैंदे पर ये जम जाते हैं। इसको जमने से रोकने के लिए इस घुलनशील चूर्ण के अंदर आद्रक मिलाते हैं। आद्रक पदार्थ होते हैं जो कि ये पदार्थ जल के अंदर इस चूर्ण को घोले हुए रखते हैं, पैंदे के अंदर जमा नहीं होने देते। यानी कि हम डायरेक्ट रूप से यदि इन चूर्ण या रासायनिक पदार्थों को मिलाएंगे जल के अंदर तो कुछ समय पश्चात ही ये रासायनिक पदार्थ नीचे जम जाते हैं। इस वजह से जल के अंदर इन पदार्थों के साथ में एक अन्य पदार्थ मिलाया जाता है जो इनको जमने से रोकता है, ये आद्रक कहलाता है। घुलनशील चूर्ण के अंदर जो रसायनों की प्रतिशत मात्रा होती है वो 10 से लेकर 50 प्रतिशत तक रहती है। इसका उपयोग हम फसलों के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार हमारा कीटनाशी जो समरूपण है, कीटनाशियों का उपयोग हम किन किन रूपों में कर सकते हैं, उनको दो रूप थे, ठोस और द्रव। ठोस समरूपण, और ठोस समरूपण के अंदर तीन पॉइंट, कीटनाशी धूली, दानेदार कीटनाशी और घुलनशील चूर्ण, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।